देश के सबसे साफ शहर इंदौर में 8 से 10 जनवरी को 17वां भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी पीएम मोदी के नेतृत्व में जोरों शोरों से जारी है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना महामारी के चलते ये पूरे 4 साल के बाद बेहद खूबसूरती से सेलिब्रेट किया जाएगा, जो इंदौर के सजावट को देख साफ जाहिर होता है। इससे पहले 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कोरोना के चलते वर्चुअली मनाया गया था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इसी दिन मध्य प्रदेश द्वारा अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, प्रौद्योगिकी सेक्टर्स में दिए जा रहे विशेष अवसरों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान विषय पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। तीसरे दिन 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार प्रदान करने के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। वहीं 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि को ऑपरेटिव गणराज्य गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट अतिथि होंगे।